वाला है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा कि नाम है, सबसे पहले हमारे पास ये सवाल उठता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन इन्हें बोलते हैं अवकल समीकरण, तो ये नॉर्मल इक्वेशन से कैसे डिफरेंट है, क्या इसकी डिफिनेशन होती है और कैसे पहचानेंगे नॉर्मल इक्वेशन से, कैसे इसको वैरी करेंगे। तो अगर हम एक नॉर्मल इक्वेशन लेते हैं, दैट इज कि y इज इक्वल टू 5x प्लस 3, तो y इज इक्वल टू 5x प्लस 3 एक टू वेरिएबल इक्वेशन है, टू वेरिएबल्स यानी दो चरों में इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया गया है x और y के टर्म्स में। अगर आप देखें तो यहाँ पर जो y की वैल्यू है वो x पर डिपेंड करती है, तो y जो है वो हमारा डिपेंडेंट फंक्शन है, डिपेंडेंट वेरिएबल आप कह सकते हैं, और जो x है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि x की वैल्यू जो है वो स्वतंत्र है, ठीक, आप उसको अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो एक नॉर्मल इक्वेशन में दो टाइप जो वेरिएबल्स हैं होते हैं, एक x का और एक y का, ठीक, यानी कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन को नॉर्मल वर्ड्स में डिफाइन किया जाए तो उसे ऐसे कह सकते हैं कि एन इक्वेशन कंटेनिंग एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि ऐसी इक्वेशन जिसमें x के टर्म हो, y के टर्म हो, साथ ही साथ y के डेरिवेटिव्स हो, डेरिवेटिव्स में जो डिफरेंशिएशन के टर्म होते हैं, ठीक, जैसे कि dy/dx, d2y/dx2, d3y/dx3, इस टाइप के कितने भी टर्म्स पॉसिबल हैं अप टू n ऑर्डर तक, n ऑर्डर जो है dny/dxn, इनको आप दूसरे टर्म्स में भी लिख सकते हो y'y" y" "y" इस तरीके से n ऑर्डर तक, या आप इसको कह सकते हैं y1 y2 y3 up to y। तो इस तरीके से ये जो टर्म है इनकी रिप्रेजेंटेशन का मेथड है डेरिवेटिव्स का, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो एक ऐसी इक्वेशन जिसमें y के टर्म्स हो, x के टर्म हो और साथ ही साथ डेरिवेटिव्स में से हो, तो उसे बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर एक नॉर्मल सा एग्जांपल लिया जाए, सपोज दैट इसी इक्वेशन में चाहते तो इसको लिख सकते थे dy/dx = 5x + 3y + 2, कांस्टेंट टर्म्स भी हो सकते हैं, बट ये ध्यान रखना जरूरी है कम से कम एक डेरिवेटिव का टर्म तो होना ही चाहिए। अगर यहाँ पर डिफरेंशिएशन का टर्म नहीं दिया गया है तो आप ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी, फिर वो नॉर्मल इक्वेशन हो जाएगी। तो चलिए इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है और नॉर्मल इक्वेशन से कैसे डिफरेंट है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, जो पहला टॉपिक हमारा है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए पढ़ते हैं ऑर्डर एंड डिग्री की तरफ। ये ऑर्डर एंड डिग्री में ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पहली चीज आती है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक इक्वेशन को कितनी बार मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएट किया गया है, ठीक, उसे बोलते हैं ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स एन इक्वेशन इज डिफरेंशिएटेड, कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है, ठीक, उसको कहते हैं ऑर्डर। यानी कि अगर एक इक्वेशन एग्जाम्पल लेते हैं d2y/dx² + dy/dx³³ + 3 = 0 लिखिए सपोज दैट, तो यहां पर जो ये ऑर्डर की अगर बात करेंगे तो ऑर्डर क्या होगा यहाँ पर 2, क्योंकि इसको मैक्सिमम टाइम दो ही बार डिफरेंशिएट किया गया है, मतलब dy/dx² क्या है 3 है, लेकिन ऑर्डर क्या है इसका 2 होगा, क्यों, क्योंकि हाईएस्ट टाइम ऑफ डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो क्या आएगा d2y/dx² जो है वो हाईएस्ट टाइम ऑफ डिफरेंशिएशन है, तो ऑर्डर क्या आएगा 2। अब बात करते हैं डिग्री की, ठीक है, हिंदी में इनको बोलते हैं कोटि, ठीक, और ये घात, तो इस तरीके से याद रखेंगे ऑर्डर और डिग्री क्या होता है। डिग्री की बात करेंगे तो पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म और एक और चीज ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि पावर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म आफ्टर रिमूविंग पावर रेडिकल्स इन द पावर,
रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस इन द पावर। ये चीज जरूर ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि होता क्या है आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जाम में जिनमें रेडिकल्स और जो फ्रैक्शन के टर्म्स हैं वो पावर में दिए गए होंगे। तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म है अगर इस नॉर्मल से क्वेश्चन में लिया जाए तो यहाँ पर डिग्री जो होगी, जो भी एग्जाम्पल उन्होंने दिया है उसमें डिग्री जो है वो दैट इज वन। क्यों? क्योंकि डी टू बाई डी स्क्वायर की पावर कितनी है? वन है। तो उस केस में डिग्री की हो जाएगी वन। ठीक, बट ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया, बट अभी जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे आगे उनमें आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, उनको सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद में आप डिग्री निकाल पाएंगे। तो इस तरीके से आप डिफिनेशन को समझ सकते हैं। डिफिनेशन फिर से एक बार समझ लेंगे कि ऑर्डर का मतलब क्या होता है। ऑर्डर का मतलब होता है द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइम्स एन इक्वेशन इज डिफरेंशिएटेड। किसी भी इक्वेशन को जितनी बार डिफरेंशिएट किया गया मैक्सिमम टाइम उसे बोलते हैं ऑर्डर। ठीक, तो ऑर्डर यहां से आप समझ सकते हैं। डिग्री क्या होता है? डिग्री मतलब है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर है हमारा, जो ऑर्डर आप निकालते हैं अगर टू था तो उसकी जो पावर होगी, ठीक, उसे बोलते हैं डिग्री। बट ध्यान ये रखना है कि उस इक्वेशन में रेडिकल्स को रिमूव कर देना है। ठीक, जो फ्रैक्शन पावर में है उनको पहले रिमूव कर देंगे। जैसे इसकी पावर अगर मान लीजिए 1/2 था, ठीक, तो 1/2 को आपको रिमूव करना पड़ेगा। दोनों साइड आप इधर इसको भेज करके स्क्वायर कर सकते हैं, फिर सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से आप ऑर्डर ऑफ डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब ये डिफरेंशिएशन के टर्म जो है, डेरिवेटिव्स के टर्म है, इनको किसी एक्सपोनेंट फंक्शन के अंदर रखा जाता है। जैसे कि साइन डी वाई बाई डी एक्स दे दिया जाए, कॉस डी वाई बाई डी एक्स दे दिया जाए, या ए टू दी पावर डी वाई बाई डी एक्स दे दिया जाए। तो ये अगर इस टाइप की ए टू दी पावर डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स या डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, जब भी इस टाइप के टर्म दिए गए होंगे तो आप ये तो बता सकते हैं कि ऑर्डर क्या है। ऑर्डर निकाल सकते हैं, ऑर्डर सेम मेथड रहेगा कि हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म जो है वो ऑर्डर होगा, बट डिग्री निकालना यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। तो डिग्री जो हो जाएगी इन सारे केसेस में नॉट डिफाइंड होगी। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, जब भी आपको कोई ऐसी सीरीज मिलेगी, ऐसे क्वेश्चन दिए गए होंगे, तो वहां पे आप सीधे डिग्री नॉट डिफाइन करेंगे और ऑर्डर जो हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव है उसको ऑर्डर रखेंगे। आई होप ये हमारा आपको क्लियर हुआ होगा। जब अब इसके हम लोग थोड़े एग्जाम्पल्स देखते हैं कि किस तरीके से आप वैल्यू हमको फाइंड आउट करेंगे। देखिए पहला एग्जाम्पल जो हमारे पास है डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू 10x। तो यहां पे अगर देखा जाए तो सबसे पहली चीज, दो गलत चीजें निकालनी है, ऑर्डर एंड डिग्री। तो देखिए इस इक्वेशन में आपको एक टर्म y का डेरिवेटिव दिया है, ठीक, विद रिस्पेक्ट टू x 5y दिया है, फिर 10x दिया हुआ है। तो अगर हम बात करें कि मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कितने टाइम हुआ है, दैट इज वन टाइम। तो dy / dx जो है वो वन टाइम डिफरेंशिएट किया गया है, तो y को तो ऑर्डर हो गया वन। और इसके अलावा कोई और टर्म है भी नहीं डिफरेंशिएशन का, तो हमें इसी की पावर देखनी है। पावर कितनी है? 2। तो डिग्री हो गई 2। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था, अब आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं ऑर्डर एंड डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है d2y / dx का होल स्क्वायर प्लस 3dy / dx टू द होल क्यूब प्लस 3y इज इक्वल टू साइन एक्स। यहां पर अगर ऑर्डर की बात करेंगे तो इस इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर की अगर बात करते हैं, सबसे मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएट किया गया है, वो टर्म है d2y / dx स्क्वायर। तो अगर ऑर्डर देखेंगे आप तो ऑर्डर होगा यहां पर 2। और डिग्री की बात करते हैं तो उस, देखिए यहाँ पे अगर कुछ लोग कंफ्यूज जाते हैं ज्यादा कि भाई dy / dx की पावर 3 है तो डिग्री 3 रख दी जाए, बट ऐसा नहीं होता। यहाँ पर आप देखते हैं कि जो सबसे ज्यादा टाइम डिफरेंशिएट किया गया टर्म है उसकी पावर अगर 1 है तो आपको डिग्री वही रखनी है, तो इसकी डिग्री क्या होगी? 1 होगी इस तरीके से। ठीक, तो इस तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखिए एक सीरीज दी गई है इस तरीके से, डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें x का टर्म है, dy / dx है, d3y / dx क्यूब है, d2y / dx स्क्वायर यूज किया गया है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि इसका ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखा पूरी इक्वेशन में कि
ये डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में दी गई है, पावर कहीं भी पावर में फ्रैक्शन के टर्म नहीं है, रेडिकल्स नहीं दिए गए हैं, रूट वगैरह जो है वो नहीं दिए गए हैं, तो इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज ये लिखा है एक्स स्क्वायर साइन डी वाई बाई डी एक्स। अब साइन जो होता है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ठीक, उसकी जो सीरीज होती है वो एक्सपोनेंट की फॉर्म में होती है, तो यहाँ पे साइन के अंदर दिया डी वाई बाई डी एक्स, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि डिग्री जो है इसकी वो क्या हो गई, नॉट डिफाइंड, डिग्री जो है दैट इज नॉट डिफाइंड हो गई। तो उसके बाद में देखते हैं कि हाईएस्ट टाइम जो डेरिवेटिव है वो कौन सा है, डी वाई बाई डी एक्स एक टाइम डिफरेंशिएट करेंगे भाई को, डी टू वाई बाई डी स्क्वायर दो टाइम और डी थ्री वाई बाई डी क्यूब थ्री टाइम्स, तो मैक्सिमम वर्ड डिफरेंशिएट जो हुआ वो थ्री टाइम्स है, सो ऑर्डर विल बी थ्री। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिग्री और ऑर्डर को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हुई होंगी वन बाय वन। अब जो नेक्स्ट क्लास हम लोग इसकी होगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड, तो प्लीज सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल जिससे कि आपको आगे की जो वीडियोज हैं उनकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडीइंग।